नमस्कार, मैं सिद्धांत प्रुथी आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आज आपने इस वीडियो का टाइटल देखा है कि आज हम जिक्र करने वाले हैं असली आवाज और नकली आवाज के बारे में। देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये वहम पैदा हो गया है और बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि ये क्या है और एक्चुअल में इसको कैसे यूज किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड है नकली आवाज, यही मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। नकली आवाज का मतलब क्या कि मैं लाजपत नगर सेंटर मार्केट से कोई दूसरी आवाज खरीद के लाया हूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। इसको दूसरा वर्ड दिया जा सकता था और इसको दूसरा वर्ड दिया जा चुका है जिसको बहुत सारे लोग यूज नहीं करते। अब देखिए, ओरिजिनल आवाज, अब जो मैं बात कर रहा हूँ या जो हम नॉर्मली गाना गाते हैं वो हम ओरिजिनल आवाज में ही अपनी ही आवाज में गाते हैं, किसी और की आवाज लेके नहीं आते। हाँ, बस अगर हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं तो। अब देखिए, यहाँ पर ये जो नकली आवाज है ना, इसको वेस्टर्न के हिसाब से बोला जाता है फॉल्सेटो। अब फॉल्सेटो भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक्चुअल में नकली आवाज फॉल्सेटो, और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मगर मैं इंडियन गायकी के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट बनता है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब हमारे इंडियन क्लासिकल में अगर हमारे शास्त्रीय संगीत की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर के सुर गा रहा हूँ सा से, तो मुझे बिल्कुल अगर रेंज पर जाना तो बिल्कुल खुल के आवाज को यूज करना है। मगर अगर हम वेस्टर्न अंदाज की बात करें तो वहां पर फॉल्सेटो यूज होता है, काइंड ऑफ, जिसको हम नकली आवाज बोल देते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको इंडियंस के हिसाब से कि नकली आवाज कैसे कहते हैं। इसे फॉल्सेटो कहते हैं, राइट? इसी को बहुत सारे लोग नकली आवाज बोल देते हैं। हालांकि प्रॉपर इसी में गाना गलत है, मगर इस ये यूज नहीं होता, ये भी बात गलत है। देखिए, अगर हम बात करें हमारे शास्त्रीय संगीत की तो वहां पर इस आवाज की कोई जगह नहीं है। इंडियन क्लासिकल की बात करो, मगर यहाँ पर अगर हम लाइट म्यूजिक में आते हैं तो लाइट म्यूजिक में इसकी बहुत जगह है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ आज के जमाने की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा पुराने जमाने की भी। अगर हम किशोर कुमार जी के गानों के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा कि जो यॉडलिंग का अंदाज था इतना डिफरेंट, इतना मुश्किल रहा है कि उसको कॉपी करना भी बड़ा मुश्किल काम है। इतना मुश्किल कि अभी तक मैंने भी उसको ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी, वरना मैं आपको अच्छे से उसको गा के एग्जाम्पल देता। बेसुरा गा सकता हूँ उसको, मगर सुरीला नहीं गा सकता, इसलिए आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा गा के, मगर आप जानते हैं। अब देखिए, वो गायकी के बीच बीच में, जैसे मैं आपको सरगम के थ्रू उसका एग्जांपल देता हूँ, देखिए ऐसा कितना अंदाज, ऐसा बहुत सारे अंदाज हमारी गायकी में यूज हुए, तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये एक, कि हमको इसके बारे में जानना ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर हम पंजाब की गायकी की तरफ जाएं, उसकी तरफ अगर हमारा रुझान हो। अब यहाँ पर मैं आपको नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाया हुआ कलाम सुनाता हूँ, उसकी एक दो लाइन सुनाता हूँ, जिसमें कि मैं आपको अंदाज बताता हूँ कि वो अंदाज क्या है सुर लगाने का पंजाबी गायकी का। ये गुस्ताखी करने से पहले मैं माफी चाहूंगा कि खान साहब की गायकी है वो तो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो कबूल कीजिएगा। जो देखिए फ्रेज आ रहा है, बड़ा ही खूबसूरत है, रब को लूं। अब इसी फ्रेज को मैं बहुत आराम से गाता हूं, देखिए कैसा सुनाई देता है, रब को लूं। अब देखिए, यहां पर आप बारीकी में जाएंगे तो यहां पर भी हल्का सा फॉल्सेटो यूज हुआ है वो हरकत लगाने में, वरना वो मजा ही नहीं आएगा उस गायकी में। तो नेचुरली अगर मैं उस अंदाज को करूँ तो वो हल्का सा इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो आप क्या उसको नकली गायकी बोलेंगे क्या? मैं बहुत बारीकी में जाकर बात कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से समझ में आ जाए। अब देखिए, ये अंदाज है, होर की मंगना में, जहां जरूरत है वहां पे खुल के शब्दों को दिया है, जहां जरूरत नहीं है वहां पर दबाया भी है, वही खूबसूरती पैदा करता है कि अब सारी चीज खट्टी हो जाएगी तो भी आपको पसंद नहीं आएगी, सारी चीजें मीठी हो जाएंगी तो भी आपको पसंद नहीं आएगी, तो खट्टा मीठा इसलिए कॉम्बिनेशन बना हुआ है शुरू से, तो दोनों की जरूरत है, किसी को आप हटा नहीं सकते। अब देखिए, हो रिकी मंगना में, रब को आपने जैसे कि नोटिस करा ही होगा कि मैं जब थोड़ा सा ऊपर गया तो वहां पर हल्का सा लाउड मैंने किया, वो अंदाज है।
तो अब यहाँ पर मैं एक ही चीज को लेके ही उस गायकी को पेश नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर समझने की जरूरत है और मुझे बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है कि मैं ओरिजिनल आवाज में गाऊं कि मैं फेक आवाज में गाऊं। यहाँ दो रास्ते है ही नहीं, यहाँ पर बदलेगा तो सिर्फ अंदाज। जैसी गायकी को जैसी जरूरत है, जैसे शब्दों को जैसी आवाज की जरूरत है, उसके साथ वो पेश करो, वही आपकी ओरिजिनल आवाज है, वो कोई फेक आवाज नहीं होगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, मास्टर सलीम जी का गाया हुआ एक गाना अज होना दीदार, जो कि बहुत फेमस नंबर रहा है। अब इसमें भी आप देखिए पंजाबी का अंदाज कैसा आ रहा है। कंपोजिशन में उनके जितनी अच्छी तो नहीं गा सकता है, जाहिर है, और वो बड़ा अलग अंदाज है, बट मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा था। तो अब यहां पर भी देखिए कि आपने शब्दों के हिसाब से नोटिस करा होगा जब मैंने हरकत ली है, यहां पर एक मेरी नॉर्मल आवाज आ रही है, देखिए यहाँ पर मैंने हल्की सी आवाज को हल्का करा, वो खूबसूरती वैसे आ रही है तो उस चीज को वैसे पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए आपको जो ज्यादातर ख्याल रखना चाहिए वो है कि आप फॉल्सेटो जैसी गायकी का बहुत ज्यादा रियाज ना करें कि आप परमानेंट आपकी गायकी वैसे ही हो जाए, यहाँ पर ये गलत है। उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। अब अगर मैं इस तरीके से करूँ तो गलत है, तो मुझे इसको ऐसे ही गाना पड़ेगा, तो मैं आप अज होना तो मैं ये नहीं कह सकता। तो जो लोग इस तरीके से गाते हैं अज होना दीदार, तो ये गलत हो जाएगा, प्रॉपर आपको नहीं गाना। बट कभी कभी कुछ गानों में अगर आप इस तरीके से इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ गलत नहीं है, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। अगर मैं और डीपली जाऊं तो देखिए सोनू निगम साहब की अगर मैं बात करूं तो जो उनके जो गाए हुए जो गाने हैं उसमें इतनी सॉफ्टनेस होती है, इतनी मिठास होती है, अब आप सोचिए, मगर जब वो बात करते हैं तो उनका टोन ऐसे ही आता ना कि ऐसे तो नहीं बात करते जैसे वो गाना गाते हैं कि मैं मोहम्मद रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो इस तरीके से तो बात नहीं करते ना, उनका टोन अब आप देखेंगे बात करने में एक बड़ा ही रियाजी किस्म का टोन है, बड़ी ही भारी सी आवाज आती है, मगर आप वही गाने में जाएंगे तो वहां पर वो बिल्कुल हल्का करके भी गाते हैं, यानी कि जैसी जरूरत होती है गाने को वैसे वो पेश करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, क्या वो नकली आवाज लेके गा रहे हैं, वहां तो मजाल ही नहीं ऐसे बोलने की। तो दैट मीन्स कि अगर ऐसे लोग गा रहे हैं और वो हिट हो रहे हैं, और सोनू निगम साहब है वो, मतलब वैसा वो टोन और वो सुरीला होने के लिए लोग तरस जाते हैं, तो आप उसको फेक वॉइस बोलेंगे, मतलब ही नहीं उठता, ये बोलना भी पाप हो जाएगा। अब आप सोचिए कि वो किससे इंस्पायर है, उनके आइडल कौन है, मोहम्मद रफ़ी साहब। उनकी गायकी में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जहाँ जैसी ज़रूरत हुई है वैसे वैसे शब्दों के हिसाब से उन्होंने गायकी को इस्तेमाल किया है, उसके हिसाब से आवाज़ को यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। आप इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए, आप जो चीज़ गा रहे हैं, जो फॉर्म गा रहे हैं, उसको वैसे अच्छे से उसके बारे में सुनिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है इंसान के लिए, अच्छे से पहले जानिए उस फॉर्म के बारे में, फिर आप गाइए, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। शास्त्रीय संगीत का रियाज करें तो आवाज को खुला रखें, अगर वहीं आप ठुमरी में आ रहे हैं तो वहां पर भाव ज्यादा हो जाएगा, वहीं आप गजल में आ रहे हैं तो हस्कीपना भी आपको वहां पर चाहिए होगा, वहां पर आपको अलग किस्म की सॉफ्टनेस भी चाहिए होगी जैसे शब्द होंगे, फिर आप बिल्कुल लाइट म्यूजिक में आ जाएंगे। तो चीजें मैं उसके बारे में अभी बहुत सारी बात कर चुका हूं। और यहां पर जो आज के जमाने में जो बहुत सारा जो अंदाज यूज करते हैं वेस्टर्न वालों का, और अगर आप वेस्टर्न सिंगिंग के बारे में बात करेंगे तो वहां पर फॉल्सेटो जो यूज किया जाता है उनके इतने गानों में, तो वहां पे भी क्या बोलोगे, फेक सिंगिंग है। तो ये फितूर, ये चिंता, ये टेंशन निकाल दो, जो जैसा फॉर्म है उसके साथ वैसा इंसाफ करो और बिंदास गाओ, बिना टेंशन के गाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से रियाज करें आप। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्कार।